वेलकम टू जीके हब। सो जैसे कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्जाम के डेट आ चुके हैं, तो उसी को देखते हुए हम लोग आज लेके आए हैं पॉलिटिक के एमसीक्यूज़। तो इसको हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं और बिना देरी किए, और वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करने हैं, तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं जस्ट एमसीक्यूज़ में। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल और आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एमरजेंसी। तो इसका क्या आंसर होगा? आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। सेकेंड क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन फॉर नेशनल एमरजेंसी? द आर्टिकल 352। इसका सही आंसर आर्टिकल 352। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, अंडर विच आर्टिकल प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी? तो आर्टिकल 356। इसके अंतर्गत कोई जो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया है वो प्रोक्लेम कर सकते हैं एमरजेंसी के लिए। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एमरजेंसी आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसके 3 टाइप्स है, 3 तरह की एमरजेंसीज लगाई जा सकती है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 5th नंबर क्वेश्चन है, फाइनेंशियल एमरजेंसी रिलेटेड टू विच आर्टिकल? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 360। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो 6 फंडामेंटल राइट्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब और भी बाकी सारे वीडियोज़ हम लोग डिटेल में लाएंगे, अभी एग्जाम को देखते हुए हम लोग बस एमसीक्यू में क्वेश्चंस करते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका सही आंसर है 11। कितने है? 11। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रीट आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसके हैं कितने? 5। कितने हैं? 5। 9 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ अपर हाउस कैन बी नॉमिनेटेड बाई प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया? तो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा में या अपर हाउस में। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाई पार्लियामेंट? तो पार्लियामेंट के जो प्रोविजंस होते हैं बोथ ऑफ द हाउसेस उनके वोट से वो रिमूव किए जा सकते हैं। इसमें भी हम डिटेल में बात करेंगे दूसरे वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं 11, द शारदा एक्ट इज रिलेटेड टू चाइल्ड मैरिज? इन सब क्वेश्चंस को आप नोट करते चले, ये एक पूरा एग्जाम के दृष्टिकोण से सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन देखते हैं, द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज अ टेन्योर ऑफ 6 ईयर्स? ये 5 साल का नहीं, 6 साल का। 13 नंबर देखते हैं, इंडियन प्लानिंग कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1950। इंडियन प्लानिंग कमीशन कब आया था? 1950 में। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच आर्टिकल गिवन स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर? तो सब जानते हैं ये आर्टिकल 370 जिसको हटाया गया 5 अगस्त 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15, हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, गवर्नर जनरल है या फिर क्या है? तो फर्स्ट गवर्नर जनरल कह रहे हैं तो क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो कौन है? सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट 17 नंबर देखते हैं, हु इज़ द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर? तो जेवी मावलंकर। कौन है? जेवी मावलंकर। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हु डिज़ाइन द इंडियन नेशनल फ्लैग? तो कौन है? पिंगाली वेंकैया। नेक्स्ट 19, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया? मतलब जो स्टेट के गवर्नर्स होते हैं उनको कौन अपॉइंट कर सकता है? ऑफकोर्स द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर कंटेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 12। हाउ मेनी शेड्यूल्स? 12। नेक्स्ट 21, हु अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो इसका भी सही आंसर क्या है? प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। कौन अपॉइंट करता है जजेस को सुप्रीम कोर्ट में जो होते हैं, या चीफ जस्टिस होते हैं, जो भी हो, जो भी जजेस होते हैं उनको प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 22, आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद अमेंडिंग प्रोसीजर? जो भी अमेंडमेंट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उनको कौन डील करता है? आर्टिकल 368 उसमें इस चीज को मेंशन किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी हो सकता है। 23, विच टाइप ऑफ एमरजेंसी हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड सो फार इन इंडिया? तो इसका सही आंसर क्या है? फाइनेंशियल एमरजेंसी।
23 का आंसर क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी. 24 देखते हैं, इन विच ईयर द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज हेल्ड. 1951, जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इम्पीच्ड होने के एक साल बाद ही ये प्रोसीजर, ये अमेंडमेंट हो गया. 25 देखते हैं, विच ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी GST. आपसे ये भी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, GST का फुल फॉर्म बताया तो उसका क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. तो ये 101st अमेंडमेंट था जो 1 जुलाई 2017 को GST लगाया गया. विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लोअर्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18 ईयर. तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 61st. नहीं तो पहले, इससे पहले क्या होता था, आपको वोट देने का राइट 21 ईयर हो जाने के बाद ही था. अब क्या है, अब 18 साल की उम्र में आप वोट दे सकते हैं, मिनिमम एज. विच बिल कैन नॉट ओरिजिनेट इन राज्यसभा, मनी बिल. 28 देखते हैं, द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू हैव बीन नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा वॉज, ये थी नरगिस दत्ता, नरगिस दत्त थी जो सुनील दत्त की वाइफ थी. नेक्स्ट 29, हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, डॉक्टर बी एन राव. इसका सही आंसर क्या है, डॉक्टर बी एन राव. 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द पार्लियामेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लीगल जस्टिस. किस चीज के इंस्ट्रूमेंट्स है, लीगल जस्टिस के. The term of finance commission is 5 years. 32. Which of countries have an unwritten constitution? तो United Kingdom के पास, या उसको England कहें या फिर Great Britain कह लें, उसके पास एक unwritten constitution है. Okay. Next question लिखते हैं. 33. Where is the national emblem of India taken from? The lion capital of Ashoka at Sarnath. ये जो सारनाथ है, ये सारनाथ ही है, वाराणसी के पास है, वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास है. Next question, 34. When was Indian government adopted national emblem of India? तो कब इन्होंने लिया था, 26th of January 1950 को, जिस दिन हमारा constitution आया था. 35 देखते हैं, number of spokes इन इंडियन नेशनल फ्लैग, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, 24 होते हैं. 36, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग. ये थोड़ा उल्टा हो गया है, ये जिस तरह का आंसर है इसका, ये पहले टू रेशियो थ्री है, इसका होना चाहिए विड्थ एंड लेंथ का वो, ठीक है, थोड़ा सा उल्टा हो गया है ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 3:2 होना चाहिए. 37 देखते हैं, व्हेन वाज इंडियन नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड. तो 22nd of July 1947 को, हम लोग आज़ाद होने से पहले ही डिसाइड हो चुका था कि मतलब एक कि कैसा हमारा वो नेशनल फ्लैग होगा. 38 देखते हैं, व्हाट इज़ द टाइम लिमिट ऑफ नेशनल एंथम. ऑफ कोर्स 52 seconds. हु रोट द नेशनल एंथम, रविंद्रनाथ टैगोर. 40 देखते हैं, हु रोट द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया. तो ये थे बंकिम चंद चैटर्जी, इनकी एक, इनका एक नॉवेल है, बहुत प्यारा सा नॉवेल है, आनंद मठ, जिससे लिया गया, हालांकि ये बंगाली में लिखी गई थी, आनंद मठ जो इसमें लिखते हैं उसी से लिया गया है, जो हमारा वो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, इन्हीं की वो जो नॉवेल है आनंद मठ, उसी से लिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 41, हु एस्टिमेट्स द नेशनल इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम. दादा भाई नौरोजी, हु एस्टिमेटेड, दादा भाई नौरोजी. 42, हु इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. हीरालाल जे कनिया, तो हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे, हीरालाल जे कनिया. नेक्स्ट 42 देखते हैं, हु इज द फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस. वीमेन, फर्स्ट इंडियन वीमेन कहे तो सरोजिनी नायडू, कौन थी, सरोजिनी नायडू, पहली इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. और 44 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, हु इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. फर्स्ट वीमेन, ये जरूरी नहीं कि इंडियन ही हो, तो ये कौन थी, एनी बेसेंट थी ये. हु इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, तो ये था आंध्र प्रदेश.
आंध्र प्रदेश जो था वो लैंग्वेज के बेसिस पे एक स्टेट के रूप में फॉर्म्ड हुआ था। ओके नेक्स्ट 46 देखते हैं, हु इज द फर्स्ट ICS ऑफ इंडिया, ये कौन थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर, फर्स्ट ICS ऑफ इंडिया। 47 देखते हैं, व्हेन इज ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड, तो ये 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है ह्यूमन राइट्स डे। टैक्सेस बिलोंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन कौन से टैक्सेस आते हैं, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स। नेक्स्ट 49, अ मनी बिल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टेबल्ड इन द लोकसभा, टेबल्ड इन द लोकसभा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिसॉल्व बट कैन बी एबॉलिश्ड एनी टाइम, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। 51 देखते हैं, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली की फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, ऑन 9th of December 1946। 52 देखते हैं, द लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो ये कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को, जस्ट 2 दिन पहले, कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले लास्ट मीटिंग हुई थी, कंप्लीट हुई थी। 53 देखते हैं, When was National Flag of India adopted? ये repeated question है, 22nd of July 1947. 54 देखते हैं, By which amendment the right to property has been omitted? 44th, Constitution का 44th जो amendment है वो क्या देता है, right to property. 55 देखते हैं, Who is addressed as the chairman of Rajya Sabha? राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट। व्हेन वाज रॉलेट एक्ट पास्ट, ये 1919 में आया था रॉलेट एक्ट, इसी के अकॉर्डिंग बिना आप पे मुकदमा किए आपको गिरफ्तार किया जा सकता था। 57 देखते हैं, फॉर विच कंट्री, फ्रॉम विच कंट्री द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज टेकन, तो ये यूएसए से आया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से आया। 58 देखते हैं, इंडिया एंड चाइना हैड साइंड पंचशील पैक्ट इन द ईयर 1954, जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे तो पंचशील पैक्ट उस टाइम साइन किया गया था 1954 में। हाउ मेनी लैंग्वेजेज आर ऑफिशियली रिकोगनाइज इंडिया, तो इंडिया में बस 22 जो लैंग्वेजेज है उनको रिकोगनाइज किया गया, ऑफिशियली उनको लैंग्वेज की कैटेगरी माना गया है, कितने लैंग्वेजेज है, 22। इन विच ईयर इंडिया बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया, इन विच ईयर दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे होगा दिल्ली, दिल्ली, तो ये 1911 में, कितने में, 1911 में, तो ये कहीं कहीं 1912 भी देखने को आपको मिल सकता है, तो इसमें ये रहता है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, कब कहीं 1912 देखने को मिलता है, कहीं 1911 देखने को मिलता है। 61 देखते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज 250, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है राज्यसभा का, 250। नेक्स्ट 62 देखते हैं, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, तो ऑफकोर्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। 63 देखते हैं, हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ UPSC, तो द प्रेजिडेंट, UPSC का जो चेयरमैन होता है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन 1951, फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हेल्ड हुआ था इंडिया में, 1951 में। अगला 65 देखते हैं, इन विच स्टेट वॉज द पंचायत राज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, राजस्थान ऐसा स्टेट है जहाँ पे पंचायती राज वाला जो इलेक्शन होता है वो फर्स्ट टाइम वहीं पे इंट्रोड्यूस हुआ था। नेक्स्ट 66 देखते हैं, हु फिक्सेस द पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन होता है BPL का जो बनता है बिलो टू पॉवर्टी लाइन, वो उसको नीति आयोग फिक्स करता है कि आप BPL में आते हैं या नहीं आते हैं। 67 देखते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट, 6 months, 6 महीने का मैक्सिमम गैप हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर डिड द कैबिनेट मिशन अराइव इन इंडिया, 1946 में कैबिनेट मिशन जो आया था, कब आया था,
1946 में। नेक्स्ट देखते हैं, पंचायत राज कम्स अंडर स्टेट लिस्ट, कौन सी लिस्ट में आता है? पंचायत राज स्टेट लिस्ट में आता है। 70 नंबर क्वेश्चन है, सार्क वॉज फॉर्म्ड इन 1985। सार्क जो एक है उसको 1985 में फॉर्म किया गया था, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें भी कौन कौन से कंट्रीज है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, अगले दूसरे वीडियो में जब डिटेल में ये सारी चीज़ें करेंगे हम लोग तो उसमें भी बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 देखते हैं, विच इज़ द लोवेस्ट यूनिट ऑफ लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट का जो सबसे लोवेस्ट जो होता है वो ग्राम पंचायत होता है। 72 देखते हैं, हु वॉज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, वहाँ पे क्या मिला था? गवर्नर। यहाँ पे क्या मिला है? वायसराय। तो वायसराय जब पूछेगा फर्स्ट वायसराय, तो इसका लॉर्ड कैनिंग थे, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। 73 नंबर देखते हैं, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज जो रिक्वायर्ड है वो है 35 ईयर्स, कितना? 35 साल। 74 देखते हैं, नीति आयोग हैज बीन फॉर्म टू रिप्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस। तो नीति आयोग को खत्म करके, क्या बोलते हैं, प्लानिंग कमीशन को खत्म करके नीति आयोग लाया गया। क्या लाया गया? नीति आयोग, जो प्लानिंग कमीशन पहले चलता था उसको हटा के नीति आयोग लाया गया। 75 देखते हैं, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हैज बीन टेकन फ्रॉम कंट्री, ये आयरलैंड से लिया गया है। ये जो मेथड है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये आयरलैंड से लाया गया है। 76 देखते हैं, विच ऑफ द अमेंडमेंट इज ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 42nd अमेंडमेंट, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रूप में देखा जाता है। इस ये जो अमेंडमेंट हुआ था 42nd अमेंडमेंट। 77 द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इस टाइम आपसे पूछा जाए नीति आयोग का चेयरमैन कौन है, तो जिनका आज बर्थडे है, नरेंद्र मोदी साहब। When was the first 5-year plan launched in India? 1st of April 1951 को। 79 देखते हैं, Who is the presiding officer of the Lok Sabha? Speaker। Presiding officer कौन होता है Lok Sabha का? Speaker जो होता है। अब इस session का last question देखते हैं, आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत क्या है? राज्यों का संघ है, तो ये आर्टिकल 1 कहता है। सो इस सेशन को हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप तैयारी करते रहें, और आपके एग्जाम्स आई थिंक बहुत नज़दीक है। सो अभी के लिए टाटा बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।